सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन मलक्का और अभी हम आपको बताते हैं सम ब्यूटीफुल फैक्ट्स अबाउट मलक्का। मलक्का इज अ सिटी इन मलेशिया और ये डिक्लेयर करी गई है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन 2008 बाय यूनेस्को। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन मलेशिया एंड क्लीनेस्ट सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। और ये सच में काफी क्लीन है यार। ऐसे कोई कैसे कर सकता है, खुद ही के लिए पिचकारी फटी, रात में लेके पिचकारी गुब्बारा फोड़ दिया। अरे फिर मत खोलो भैया, तुम खोलना चाहती हो। अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो आपको बहुत और आज है day 3 of Malaysia ट्रिप। और आप सोच रहे होगे हम दोनों ऐसे किलविश क्यों बने हुए हैं, तो हम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो ये पहली हर्डल थी। दूसरी हर्डल ये, जैसे ही हम भागते हुए ट्रेन स्टेशन पहुंचे पता लगा यहाँ का स्टेशन बंद है, तो अब हम वेट कर रहे हैं बस का। तो बस आएगी और बस से हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे मस्जिद जामिक जहाँ वो कल वो ब्लू ब्लू कलर का रिवर ऑफ लाइट देखा था हमने। और फिर उसके बाद अगर तो ट्रेन का पता चला तो ट्रेन, नहीं तो हम फिर बाय कार बाय ग्रैब कर लेंगे TBS जाने के लिए। सो TBS इज बेसिकली जैसे अपने दिल्ली में ISBT होता है, यहाँ पर TBS होता है जहाँ पर आपको इंटरसिटी की बसेस मिल जाती है। जैसे अभी हमें जाना है मलक्का, मलक्का के लिए ये कारवां निकल चुका है। आज आपको पूरा सिटी टूर देंगे मलक्का का, तो बने रहिए हमारे साथ। सुबह सुबह 6 बज रहे हैं तो ये दिन बड़ा लंबा होने वाला है, तो चलो शुरुआत करते हैं फिर। ओके, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं TBS स्टेशन, जो कि जो लास्ट मेट्रो है उधर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आई थिंक वॉकिंग होगी सिर्फ 2 मिनट की। तो LRT से जो ये स्टेशन है ये कनेक्टेड है और हमें टोटल ट्रैवल टाइम जो था हमारा 40-45 मिनट्स का था। हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे क्योंकि जैसा आपको पता है हम लोग जा रहे हैं मलक्का, और मलक्का में हम लोग 1 डे ट्रिप करेंगे, सेम जैसा हमने इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में करा था। तो मैंने जो बुकिंग कराई है, मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, कल ही करा ली थी मैंने, ईजी बुक करके एक एप्लीकेशन है वहाँ से कराई थी मैंने। तो वहाँ पर मल्टीपल कैरियर्स का टाइम के हिसाब से आ रहा था कि आपको किस टाइम पर जाना है और किस टाइम पर आना है, तो मैंने राउंड टिकट कराया था अपना। और पर पर्सन अगर आप लगाओगे तो वो लगा है अराउंड 30 रिंगिट्स, और इसमें मेरे को डिस्काउंट भी मिला था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़र थी। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है और आपको अपने प्रेफर्ड टाइम की बस मिल जाती है। तो हमारा जो बस टाइमिंग है वो है 7:30 इन द मॉर्निंग और शाम को हमने रखा है 8:30 फ्रॉम मलक्का सेंट्रल टू कुआलालंपुर। और जो ट्रैवल टाइम है वो मोटा मोटा 2 से 2.5 घंटे के बीच में है। और 30 रिंगिट जो लगा है वो एक्सप्रेस बस का लगा है। एक्सप्रेस बस मतलब जो अच्छी बस है जो थोड़ा जल्दी चलेगी। अगर आप स्टैंडर्ड बस से जाना चाहते हैं तो वो अराउंड 9-10 रिंगिट्स में भी आपका काम पर साइड का हो जाएगा। अगर आप राउंड ट्रिप लगाएंगे स्टैंडर्ड बस में तो वो अराउंड 20-22 रिंगिट्स का लगेगा। मैंने एक्सप्रेस कराई तो इसलिए मेरा जो चार्ज लगा वो 30 रिंगिट लगा है पर पर्सन राउंड ट्रिप। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे TBS स्टेशन में, आपको काउंटर नंबर 20A में जाना है। वहाँ पर जाकर आप अपनी ईजी बुक का जो एप्लीकेशन थी वो आप ओपन करेंगे, सॉफ्ट कॉपी दिखाएंगे और वो सॉफ्ट कॉपी के अगेंस्ट आपका बोर्डिंग पास जनरेट कर देंगे, टिकट जनरेट कर देंगे फिजिकल कॉपी, और उसके ऊपर लिखा होगा आपको कौन से गेट पे जाना है। तो हमारी जो टर्मिनल है वो है टर्मिनल नंबर 7, ये मेरे पीछे है, और जो बस का जो कैरियर है वो है LLL। सो बेसिकली LLL इज़ वन ऑफ द रेनाउंड बस ऑपरेटर। तो ये तो अभी तक का मैंने सुना था, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस बस है और अच्छी सर्विसेज है। लेट्स सी कि कितने टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे मलक्का। TBS स्टेशन पर आपको काफ़ी सारे ऑपरेटर्स नज़र आ जाएंगे, उसके अलावा आप ये सेल्फ सर्विस कियोस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर TBS में एक चीज़ नोटिस करिए, आप देख रहे हो ये पीछे गेट बना हुआ है और इधर मलेशियन जो अटायर में एक लेडी और एक जेंट खड़े हैं और वो आपका वेलकम करते हैं। तो जैसे ही इसके पास जाएंगे ना तो ऐसे खुलेंगे और वो पास आ जाएंगे, तो बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो कितना यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, देखा। यहाँ का ये सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त लगा, बिल्कुल फ्लाइट की तरह आपको एक लाइन में लगाकर बोर्डिंग कराई जाती है। काफ़ी सही मैनेज करते हैं यार यहाँ के लोग। तो ये है हमारी एक्सप्रेस बस, काफ़ी सही है, बहुत अच्छा इसका रेक्लाइनर है और फुट पैर रखने के लिए भी जगह है,
और देख रहे हो कि स्पेस कितनी है, लेग स्पेस कितनी ज़्यादा है इसमें, इसलिए था इसका 15 रिंगेट। अब समझिए ना, ऊपर सामान रखने के लिए। हाँ, ऊपर सामान रखने, वो क्लोज्ड केबिन है। और भाई ने पासपोर्ट बोर्डिंग पास की तरह स्कैन किया है। और इस बस में वाईफाई भी है। फ्लाइट वाला माहौल है। ये गया हमारा बैग केबिनेट के अंदर और ये कर दिया हमने डब्बा बंद। तो एग्जैक्ट 7:30 पे हमारी बस चल दी है। यहाँ से है मलक्का सेंट्रल 133 किलोमीटर। देखते हैं कि कितनी देर में हमें पहुँचाएगा, और तब तक के लिए सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात में यार वो कॉफ़ी पी ली थी और हम दोनों को नींद नहीं आई, तो हमें लग रहा है कि आज का दिन कैसे जाएगा, आज पूरे दिन वॉक करनी है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और अब आपसे मिलेंगे मलक्का सेंट्रल में। तो 2 घंटे की बस राइड के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मलक्का सेंट्रल। 2 घंटा 10 मिनट के करीब टाइम लिया होगा। काफ़ी कंफर्टेबल राइड थी क्योंकि भाई मैं तो लेट ही सो गया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि राइड कैसी थी। लेकिन अब आज बादल तो थे थोड़े थोड़े, पर सनी डे हो गया है। तो हम लोग निकले हैं मलक्का घूमने के लिए। पहला स्टॉप कौन सा है हमारा सिल्वी? ए फमोसा। समोसे का भाई फमोसा। हम फमोसा घूमने के लिए जा रहे हैं, जाके बताते हैं आपको वहाँ पर क्या है, क्योंकि मुझे कोई आईडिया नहीं। सारी रिसर्च गगन ने की और हमारी ग्रैब आ गई है। तो वी गोना ग्रैब द ग्रैब। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं कि इस सिटी का नाम मलक्का कैसे पड़ा। एक रूलर जो सिंगापुर के रूलर थे जिनका नाम था रामेश्वरा, वो भाग के मलेशिया आ गए। वो यहाँ इस शहर में आकर एक पेड़ के नीचे, जिस पेड़ को बोलते हैं मलक्का, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि 2 शिकारी कुत्ते एक माउस डियर को भगा रहे थे, लेकिन उस माउस डियर ने उन शिकारी कुत्तों को डिफीट कर दिया और उनको नदी में धकेल दिया। इस पूरे इंसिडेंट्स को देखकर जो वो रूलर थे रामेश्वरा, बहुत इंप्रेस हो गए और उन्होंने उस पेड़ के नाम पे इस शहर का नामकरण कर दिया मलक्का। अभी मैं खड़ी हूँ अपने फर्स्ट स्टॉप पे जो कि है ए फमोसा। मलक्का में बहुत सारे रूलर्स ने राज करा है, जैसे कि पोर्टुगीज, डच एंड ब्रिटिशर्स, बट ये बिल्डिंग जो है ये फर्स्ट रूलर जो थे पोर्टुगीज, उन्होंने बनाई थी और ये अपने टाइम की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था। और पोर्टुगीज ने इसके अंदर अपनी एक 4 स्टोरी की जेल भी बना दी थी कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको हम पनिशमेंट देंगे यहाँ पर। मगर जैसे जैसे रूलर्स चेंज होते गए, वैसे वैसे बिल्डिंग को डिमोलिश करके कुछ कुछ नया रिवैम्प होता गया। ये लास्ट में जब ब्रिटिशर्स ने इसको रूल किया, उसके बाद बिल्डिंग को पूरा तोड़ दिया और सिर्फ अभी यही स्ट्रक्चर बड़ा है, बाकी सारा रियूंड है अंदर। तो जो ये ए फमोसा है, ये अपने टाइम की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग भी रहा है और इसकी हाइट हुआ करती थी 60 मीटर्स। ए फमोसा के साथ से बनी हुई स्टेयर्स को पकड़कर आप जा सकते हैं सेंट पॉल चर्च, जो कि अपने आप में काफी सुंदर मॉन्यूमेंट है। तो हमारा सेकंड स्टॉप है वो है सेंट पॉल चर्च, और ये फमोसा से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। फमोसा की जो स्टेयर्स ऊपर चढ़ती हैं वो लेकर जाती हैं सेंट पॉल चर्च की तरफ, एंड सेंट पॉल चर्च इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ मलेशिया। और ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है मलक्का में, ये देखो ऐसे लेके जाते हैं ऊपर इसमें गोल गोल घुमाते हुए, और वहां से आपको पूरा मलक्का नजर आएगा। और वैसे भी बहुत ही ज्यादा निहायत ही खूबसूरत जगह, ये देखो आप, लवली है। पॉल चर्च से जैसे हम नीचे उतरे तो ये नजर आ गया हमें मलेशियन म्यूजियम। तो आप आर्किटेक्चर म्यूजियम आके मजे ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं मजे लेने इसके अंदर। काफी सही लग रहा है वाटर, नहीं? हाँ, बहुत सुंदर है, पूरा पेड़ नहीं छाए दे रखी है वाले ने। तो काफी सुंदर सिटी है भाई, इसीलिए इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना रखा है। दिस इज लवली यार। तो अभी चर्च से खड़े होकर जो आपको एक पैनोरमिक व्यू का मिनारा दिखा रहे थे, अभी मेरा नेक्स्ट स्टॉप वहीं का ही है जिसका नाम है मिनारा तामिंग सारी, और वो मेरे जस्ट पीछे है। इसकी टिकट है, टिकट का कॉस्ट आपको अंदर जाके बताती हूँ मैं। और भाई ये है वो जो ग्लास का बॉक्स बना रखा है मिनारा तामिंग सारी। अभी इसकी टिकट लेते हैं और फिर हम चढ़ के ऊपर जाएंगे। तो मैंने इस मिनारा की ऑनलाइन टिकट ले ली है, एप्लीकेशन इज हेड आउट। मेरे को जो पड़ी है वो 800 रुपए की पड़ी है। आप अगर ऑफलाइन लोगे तो 23 रिंगेट की पड़ेगी पर पर्सन, तो अराउंड 900 रुपए की पड़ेगी दो बंदों की, जो कि मुझे पड़ी अराउंड 800 फॉर 2। थैंक यू।
तो अभी मैं बैठी हूँ वेटिंग एरिया के मिनारा तामिंग सारी के, और जो ये सर्कल जो है, ये राउंड राउंड जो है, ये हर 15 मिनट में आता है, हर 15 मिनट में इसकी रिपीटेशन होती है। 7 मिनट का आई थिंक इसका ऊपर का रिवॉल्विंग टाइम रहता है, 7 मिनट तक ये 360 डिग्री का आपको व्यू देगा, घूमता रहेगा धीरे 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 धीरे, और फिर उसके बाद ये नीचे नीचे आ जाता है स्लोली स्लोली स्लोली। तो जो ये इन्होंने वेटिंग एरिया बना रखे, बहुत ही साफ सुथरा है, और जगह जगह जैसे गर्मी है तो अगर आप देखोगे ऐसे इन्होंने पंखे भी लगा रखे हैं, नाइस अरेंजमेंट। और ये आ गई उड़न तश्तरी, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा सिल्वी जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, खगोल पे। ये अब हम इस फ्लाइंग डिस्क के अंदर एंट्री करते हुए, थैंक यू। ये हमारी जो लिफ्ट है वो उठ रही है गगन के चेहरे पे, उड़न तश्तरी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लाइंग डिस्क या फ्लाइंग कुछ तो बोलते हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो सही लग रहा है। हाँ एकदम परफेक्ट सिमेट्री में बने हुए हैं, और ये हम इतने ऊपर उठाए हैं जमीन से, और ये है मलाका की पूरी सिटी आपके सामने। तो भाई ये है मजेदार राइड, मजा आया नहीं आया सिर्फ? बहुत मजा आया, 15 मिनट के बाद चला ये, और अभी हो गए 7 मिनट एग्जैक्टली, तो 7 मिनट तक इसने घूमा और अभी नीचे डिसेंड हो रहा है, स्लोली नीचे जा रहा है, पर ये बहुत प्यारी, बहुत अमेजिंग व्यू है, आपको रिवर भी दिख जाएगी, सी भी दिख जाएगा, सब दिख जाएगा, वेरी नाइस। सो इट्स अ रिकमेंडेशन कि अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, कॉस्ट लगेगी वही 800 रुपए या 900। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आपको उतरते उतरते चार व्यूज और दिखा देते हैं। भाई ये इस उड़न तश्तरी में जाके मजा सा तो आ गया, पर 7 मिनट ऐसे निकल गए 7 सेकंड की तरह, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, आपको ज़रूर जाना चाहिए, पर मन कर रहा है मेरा एक बार और चले जाए, लेकिन इट्स टू कॉस्टली। तो हम जा रहे हैं अगले पड़ाव की ओर, और सिल्वी बताएं कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं डच स्क्वायर, जिसको रेड स्क्वायर भी कहा जाता है। रेड स्क्वायर तो रशिया से नाम ले लिया गया है। अच्छा रशिया में भी? हाँ रशिया में ही रेड स्क्वायर है, तो मैं गई नहीं तो इसलिए मुझे पता नहीं है रशिया का। और यहाँ पर है डच स्क्वायर, जिसकी अपनी ये मानता है शायद, क्योंकि यहाँ पर डच ने भी रूल करा था, तो कुछ उसी से रिलेटेड होगा, और बट उसका भी मज़ा इसलिए है, शाम में उसका भी ज़्यादा मज़ा है, बट स्टिल अब हम हर चीज़ तो शाम के लिए छोड़ नहीं सकते। हाँ। तो धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं हम, तो कुछ दोपहर में निपटाएंगे बाकी शाम में निपटाएंगे। चलिए ये है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का शिप, कितना ही पुराना और मस्त लग रहा है यार। तो ये अभी जो आपको अरुण ने दिखाया है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाला शिप, एक्चुअली ये एक म्यूजियम है जिसका नाम है म्यूजियम समुद्रा, और ये अभी बंद है क्योंकि इसकी टाइमिंग है शायद 9 से 8 से 11:30, उसके बाद ये खुलेगा 2:45 से लेकर 5 बजे तक, तो ये इसलिए अभी हम जा नहीं रहे क्योंकि अभी ये क्लोज ही है, तो हम क्या करेंगे जाके। तो अभी हम लोग ने थोड़ा सा प्लान में अपना कर दिया है चेंज, हम लोग पहले सोच रहे थे कि डच स्क्वायर जाने का, सिटी सेंटर में जाने का, बट अभी हमने थॉट करा, सोचा कि हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर सी में, जो कि है बहुत दूर, और है एक मॉस जिसको कहते हैं मॉस स्ट्रेट्स मलक्का, मलक्का मॉस स्ट्रेट्स करके उसका नाम है, समुद्र के बिल्कुल कोने में मॉस्क है और बहुत ही सुंदर मॉस्क है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि पहले दूर की चीज़ को कवर करते हैं, फिर बाद में आएंगे सिटी सेंटर। अभी तक मलक्का घूम के ऐसी फील आ रही है कि मलक्का एक इवनिंग और मॉर्निंग वाली सिटी है, दोपहर वाली सिटी नहीं है। यहाँ ऐसा लग रहा है सब कुछ बंद पड़ा है दोपहर में, बहुत शांत है, और जितने गगन ने रिसर्च भी की थी उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हद मार के 10 साइट सीइंग के पॉइंट होंगे, जिसमें से 4 या 5 तो बिल्कुल एक गुच्छे की तरह एकदम पास पास में है। हमें लगा कि अलेक्जेंड्रिया की तरह काफ़ी बड़ी सिटी होगी, तो हमें बहुत चलना पड़ेगा, तो हम सुबह सुबह पहुंच गए 7:30 बजे। लेकिन अगर आप मलक्का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्यारी जगह, मज़ा बहुत आएगा आपको, तो आप थोड़ा लेटेस्ट भी प्लान कर सकते हैं, लाइक अगर आप कोलालंपुर से 10-11 बजे भी निकलेंगे तो भी आप ऑन टाइम यहाँ पहुंच जाएंगे, एंड अगर आप हमारी तरह नहीं चलेंगे, आप ग्रैब कैब लेंगे, तो आप बहुत आसानी से 5 से 6 घंटे में इस पूरी सिटी को कवर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। पर इस पॉइंट पे आना मिस मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा
क्लीन, सुंदर, सीनिक, पिक्चरिस्क, जो भी शब्द बोले वो कहो, मैं बहुत अच्छी जगह है। जो फ्लोटिंग मॉस्क हम आए हैं वहाँ का ड्रेस कोड ये है भाई, तो अगर आप आ रहे हैं तो ऐसे एक दुपट्टा लेके आना और फुल स्लीव फॉर वुमेन और फुल पैंट्स, और मेल के लिए शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, तो आप टी शर्ट और पैंट पहनकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस कोड का खासा ध्यान रखना। अगर आपकी पैंट फुल नहीं होती या आपके पास सर पर रखने के लिए स्कार्फ नहीं होता तो ये यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं, तो यू कैन टेक दैट एंड फिर आगे अंदर घुस सकते हैं आप यहाँ पर। पर ये एक आइकॉनिक फ्लोटिंग मॉस्क है, तो भी आपको इसके बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। तो जस्ट अभी फ्लोटिंग मॉस्क के दर्शन करके हम लोग अभी बैठे, उसके जस्ट ऑपोजिट एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठे। अभी फिलहाल बंद है वो, शायद अभी रमजान का टाइम चल रहा है तो दोपहर में इसलिए मार्केट बंद है, शायद ही शाम में ओपन होगी। बट हम लोग तो अपना घर से नाश्ता लेकर आए थे जो कि था पोहा, ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं मिल सकती, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत धूप है। तो ये है मेरे पीछे मलक्का स्ट्रेट मॉस्क, जो कि मलक्का का एक बहुत यूनिक पॉइंट माना जाता है। बहुत ही साफ सुथरी और ब्यूटीफुल मॉस्क है, और इसे फ्लोटिंग मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप मलक्का में हैं आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म से हैं तो आप तो अंदर जाके प्रेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करना चाहते क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को अंदर अलाउड नहीं है एंट्री, तो आप बाहर से मॉस्क देख सकते हैं और कुछ अच्छी सी फोटोज और वीडियोस बना सकते हैं। ये वापसी जाने के लिए हमने बुला ली है कैब, तो अब इस ग्रैब में बैठ कर हम जाएंगे वापसी और फिर घूमेंगे। कहाँ जाएंगे सिल्वी नेक्स्ट? हम जाएंगे बुद्धिस्ट टेम्पल। बुद्धिस्ट टेम्पल, चलो भाई बैठो फिर तुम गाड़ी में। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है चेंग हुंग टेंग टेंपल, जो कि एक बुद्धिस्ट और ताइवानियज़म को डिपिक्ट करता है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल है, वर्किंग टेंपल है मलेशिया में, मलक्का में। और ये जो है 500 साल से भी ज़्यादा पुराना टेंपल है, और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। क्या लिया है ये तुमने मैडम, ये क्या जुगाड़ बना के चल रही है? शुगर केन चेस्टनट ड्रिंक, इसमें हॉट भी थी और कोल्ड भी थी, बट गर्मी को देखते हुए हमने कोल्ड लिया। तो ये है वो मंदिर जिसमें अभी हम दर्शन कर रहे थे, और इसके आसपास का ना एरिया बहुत ही सही लग रहा है यार। आप देखो कितनी ही साफ स्ट्रीट्स, आसपास में प्यारे प्यारे आर्किटेक्चर, यहाँ एक और ऐसा सुंदर सा आर्किटेक्चर ये पीछे बना हुआ है। और इस गर्मी को बीट करने के लिए गगन ने लिया है ये जूस अंकल से, और ये जुगाड़ू थैले में लेके। ये ना मैं कल से देख रही थी कुआलालंपुर में भी कि क्या क्या कर लेते हैं, तो आज मैंने एक्सपीरियंस कर ही लिया, मैंने कहा पैक ही कर दूं आप। तो बड़ा ही यूनिक सा है, मतलब हम भी कॉपी कर सकते हैं। हाँ, लेट्स बीट द हीट। यस। तो ये जोंकर स्ट्रीट में घूमते हुए हमें ये नजर आ गया था कुछ तो पीछे, पेरन कानन कुछ, ये यहाँ की कोई फेमस क्यूजीन है, तो हमने सोचा कि उन्हें इस रेस्टोरेंट में चलें। पता करने पे पता लगा कि यहाँ पर सब कुछ नॉन वेज है, वेजिटेरियन नहीं है। तो एक स्वीट नज़र आई है जो गगन बोल रही है बहुत फेमस होती है, लेट मी शो यू दैट। क्या ऑर्डर किया हमने? ग्रीन, ये हमने ऑर्डर करा है, ऑन दे बोलते हैं, और ये बेसिकली आई थिंक इंडोनेशियन डिश है ये, और इट्स मेड अप ऑफ राइस फ्लावर एंड शुगर केन, शुगर क्या बोलते हैं उसको, पाम शुगर। अभी खुद ही कह रही थी इसके अंदर पिचकारी सी फटी है, हाथ में लेके फोड़ दिया। ये देखो मेरी व्हाइट टी शर्ट पे निशान पड़ा, यहाँ पर पूरे ये नीचे फ्लोर पे डाल दिया मैडम ने, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। खुद ही के लिए पिचकारी फटी, रात में लेके पिचकारी, गुब्बारा फोड़ दिया। मैं खोलना, अरे फिर मत खोलो भैया, तुम खोलना चाहती हो तो रहने दो, मुंह में ही फोड़ो इसे। भाई मुझे तो ये औंदे औंदे सही लगे, पर गगन को ये औंदे औंदे बिल्कुल नहीं पसंद आए। अब गगन कुछ हौले हौले ढूंढ रही है किधर जौंदे जौंदे
डच स्ट्रीट जो हम पहले जा रहे थे. चलो बैक टू नहीं डच स्क्वायर. डच स्क्वायर रेड स्क्वायर डच रेड स्क्वायर ऐसा कुछ बोला था तुमने मुझे ऐसा. हाँ डच स्क्वायर को रेड स्क्वायर भी कहा जाता है. छाए में चलते हैं. छाए में चलते हैं. अभी हम खड़े हैं जोंकर स्ट्रीट में और ये यहाँ की बहुत ही ज्यादा हैपनिंग मार्केट है. तो अभी ये डे व्यू है. यहाँ पर नाइट मार्केट भी लगती है जो अराउंड 5 बजे के करीब लगती है. तो अभी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें डच स्क्वायर जाना है. उसके बाद हम यहाँ पर शाम को भी आएंगे नाइट का मजा लेने. तो ये है मलक्का रिवर. अगर आपको यहाँ पर क्रूज करना है तो आप क्रूज कर सकते हैं. इसके सामने अगर आप ये देखेंगे, मतलब आंटी को नहीं, आंटी के पीछे जो देखेंगे मलक्का रिवर क्रूज, दैट्स वेयर यू कैन बुक योर टिकट एंड एंजॉय दिस मलक्का रिवर क्रूज. काफी सुंदर लग रहा है यार ये आ गया क्रूज. ऐसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपका. तो ये है डच स्क्वायर यानी मलक्का का सेंटर. यहाँ से आप लंदन जा सकते हैं सिर्फ 10,632. आप लिस्बन जा सकते हैं 11,699 किलोमीटर. और ये आप देखिए दिस इज कॉल्ड रेड स्क्वायर या डच स्क्वायर, यही बोल रहे थे ना नाम. और ये देख लो आप और नज़दीक से डच स्क्वायर रेड स्क्वायर मलक्का का स्क्वायर. और ये पीछे बना रखा है आई लव मलक्का. दिस इज़ नाइस, बहुत मज़ेदार है. धूप जोरदार, गर्मी हो रही है तो शाम को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लगने वाला है. तो अभी गगन भी आ गई मेरे को देख के, उससे बैठा नहीं गया, वो एक कोना पकड़ के बैठ गई थी पर उसने मुझे देखा और मैडम भागी चली गई. तो अभी हम कहीं कोना पकड़ के बैठेंगे और शाम होने का वेट करेंगे. पूरे मलक्का में आपको एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा दिखेगा, वो है ये सुंदर से ट्राई शॉप. आपको ये जगह जगह दिखेंगे और ये बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने सजा रखा है. थीम बेस्ड रिक्शा आएंगे बेसिकली और अगर ये आपके सामने से जाएंगे ना तो गाने बजाते हुए जाएंगे. इसका मतलब है कि आओ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली. तो ये पूरे मलक्का में आपको जो मतलब जो भी आप प्लान ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको मलक्का घुमाएंगे. और अगर आप इनकी सवारी शाम के टाइम करेंगे तो इनमें चिटमिट चिटमिट लाइटें भी जलती हैं. हमारा जब नेक्स्ट स्टॉप है डच स्क्वायर में वो है क्रिस्ट चर्च. ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत पॉपुलर मॉन्यूमेंट है मलक्का का और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुई थी 1753 में. लेट्स गो. ये मलक्का का घंटा घर बजता हुआ भाई, किस खुशी में बज रहा है ये? बंद हो गया एल है. तो चर्च एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए हैं मैकडी को एक्सप्लोर करने. तो अभी हम देखते हैं कि मलेशिया का मैकडी वेजिटेरियंस के लिए क्या ऑफर करता है. लो भाई अब चेक करते हैं क्या है. ईटिन तो बर्गर, बर्गर में बीफ चिकन फिश. तो हमारे लिए कुछ नहीं है वेजिटेरियन के लिए कुछ नहीं है. नगेट्स में छोड़ दो फिर आ जाओ आगे. नासी लेमाक इसमें क्या है. तो ये जो यहाँ की जो डिश होती है मलेशिया की नासी लेमाक चिकन 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 मटन चिकन 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 एग राइस है. अगर आप एग खाते तो शायद आप ये खा सकते हो नासी लेमाक मैकडी. हाँ तो आप ये खा सकते हो इफ यू आर वेजिटेरियन. ठीक है जी. अब हम आ जाते हैं सीधा. ये क्या होता है? व्हाट इज दिस बुबुर आयाम? व्हाट इज दिस बुबुर आयाम इफ यू कैन टेल मी? चिकन पॉरेज. इन पॉरेज ऑल्सो देयर इज चिकन. स्मॉल भी ले सकते हो. हाँ चलो. व्हाट एल्स डू वी हैव? मीठा ही बचा मुझे तो लग रहा है ऐसा. मीठे में तो है गोपी सुसु. सुसु सुसु मतलब सुसु नहीं, कुछ मतलब होगा इनका कुछ और. सुसु इज कॉफी. सुसु इज मिल्क. ओ अच्छा मिल्क कॉफी. मिल्क कॉफी कॉपी 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 इज कॉफी. सो यू कैन हैव आई थिंक मीठा. हाँ ये कुछ केक्स हैं जो आपको मिल सकते हैं. देन लेट्स गो टू डेजर्ट्स एंड साइड्स. हाँ तो मेरे को लग रहा है आलू तो यहाँ पर मिल नहीं रहा. हाँ सो यू कैन हैव कॉर्न. कॉर्न मिल गया. हाँ ये रहा. यू कैन हैव कॉर्न. कॉर्न एप्पल पाई. और आप प्लेन चावल भी खा सकते हो अगर आप में हिम्मत है तो. हाँ और यू कैन हैव फ्रेंच फ्राइज. तो एक मैं बताऊँ क्या, एक फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं और एक एप्पल पाई ले लें. ठीक है वो वहां से करते हैं बिकॉज़ वी डोंट हैव कार्ड अभी. अच्छा हाँ तो कैश तो वहीं जमा होगा क्या? सो आई हैव ऑर्डर्ड मीडियम फ्राइज, एक एप्पल पाई और एक कोन आइसक्रीम. तो भाई ये हमने ऑर्डर कर दिया है फ्रेंच फ्राइज मलेशियन और खा के देखते हैं आलू में कितना डिफरेंस है. हाँ सेम है, इसका टेस्ट तो सेम है. ये पास. और अब बारी है इस
एप्पल पाई की, अगर हम इंडिया में होते तो हम इसकी जगह पता क्या खाते हैं, हम खाते हैं मैक पफ, पर यहाँ पफ नहीं है, यहाँ पर पाई है। इंडिया के वनीला आइसक्रीम जैसा टेस्ट है, कॉफी पेस्ट। तो मैकडोनल्ड में थोड़ी देर सहताने के बाद, सहताने का मतलब समझते हो आप, मतलब रेस्ट करने के बाद, अब हम दोनों फिर निकल गए हैं घूमी घूमी करने, और अब गगन का कहना है कि हम रिवर फ्रंट पे वॉक करेंगे और फिर तब तक शाम हो जाएगी, फिर हम जाएंगे वो सिल्वी, क्या नाम है स्ट्रीट का, ये भी भूल गई, चलो जो भी स्ट्रीट है, बड़ी सुंदर वाली स्ट्रीट जो है जॉन्कर स्ट्रीट है, मेरे को याद आ गया, जॉन्कर स्ट्रीट, वहां जाएंगे और फिर आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि रात में वहां का जो नजारा है वो कैसा होता है। पहले आपको रिवर फ्रंट दिखाते हैं, और अभी हम लोग निकल पड़े हैं रिवर फ्रंट की वॉकी वॉकी करने, और देखो यहाँ कितना सुंदर सा पुल है, और ये ही रिवर फ्रंट, ये हाँ। रिवर, और ये हम फ्रंट पे हाँ। और यहाँ वॉक करते हुए जाएंगे, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अभी आपको इधर का व्यू भी दिखाते हैं, वो भी काफी सही है। अगर आपको क्रूज करना है तो आप क्रूज भी कर सकते हो, नहीं तो हमारी तरफ पिटकू चलना है तो आप पिटकू चल भी सकते हो। क्रूज का प्राइस हमने पता नहीं किया है, वही 20-25 होगा, पता करना और कमेंट बॉक्स पे बताना हमें भी। तो भाई ये देखो, चले रिवर फ्रंट पे चलते हैं, आओ। ये देखो, ये है रिवर फ्रंट, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही जगमगा जाते हैं शाम होते ही, रात होते ही, और यहाँ पर आप अपना खाना ऑर्डर करो और नदी के किनारे मस्ती से बैठ के। तो ये था हमारा एक छोटा सा वन डे का ट्रिप अबाउट मलक्का, और इसमें हमने कोशिश पूरी करी है कि हम एक दिन कैसे प्रॉपर एक यू नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आपको हमारी आंखों के द्वारा आपको भी दिखा सकते हैं, आपको भी एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। इसका एक और भी व्यू है जो मैं और अरुण भी हम डिस्कस कर रहे थे, कि एक तो आप ये हमारी तरह अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो, फिर लेट नाइट की आप बस लेकर कुआलालंपुर जा सकते हो। इसका एक दूसरा व्यू भी है कि आप अराउंड निकलो कुआलालंपुर से 10-11-12 बजे के करीब निकलो, बस लो वहाँ से, ताकि आप लोग पहुँच जाओ मलक्का अराउंड 2:30-3 बजे के अराउंड, और आप चेक इन कर लो एक मलक्का के होटल में, क्योंकि और दोपहर को थोड़ा सा रिलैक्स वहीं पर ही करो। देन यू कैन एक्सप्लोर द सिटी अराउंड 4 बजे के अराउंड 3:30-4:05, जब थोड़ा सा सन सेटल डाउन हो जाए, मतलब इट डिपेंड्स कि आप कौन से मंथ में आ रहे हो, सो थोड़ा सा सन सेटल डाउन हो जाए देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द सिटी, और टाइम देख कर कि ये मॉन्यूमेंट जो है या ये चर्च जो है वो कब से कब तक खुली है, मंदिर जो है वो कब से कब तक खुला है, इसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर लो, एंड देन एक्सप्लोर द सिटी नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि रात को यहाँ पर नाइट मार्केट होती है, नाइट लाइफ यहाँ पर अच्छी है, थोड़ी पब्स हैं, अगर आपको ये सब थोड़ा शांति में अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो, क्योंकि जो कुआलालंपुर है वो थोड़ा हसलिंग बसलिंग है, और मलक्का जो है वो थोड़ा सा शांत है मगर बहुत खूबसूरत है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप लोग एग्जिट कर सकते हो टुवर्ड्स कुआलालंपुर, थोड़ा सनराइज देकर आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है मलक्का को एक्सप्लोर करने का, आप भी अपने हिसाब से एक्सप्लोर करो, और फिर हमें ज़रूर बताना कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया। रिवर फ्रंट पे वॉक करने के बाद हम लोग निकले थे जॉन्कर स्ट्रीट जाने के लिए, और रास्ते में हमें एक बहुत ही सुंदर साउथ इंडियन टेंपल नजर आ गया, अभी आपको दर्शन कराते हैं। क्योंकि बिना लुंगी के यहाँ अलाउड नहीं है, अगर आपने शॉर्ट्स पहने हैं तो, अगर फुल पैंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, इसीलिए इन्होंने बोला लुंगी पहन लो आप, नियम है भाई, नियम कानून। So, ये है इवनिंग व्यू ऑफ जॉन्कर स्ट्रीट, देख रहे हो कितना सारा खाना पीना है, बट हमारा तो टारगेट एक ही है, वेजिटेरियन फूड, तो लेट्स स्टार्ट द हंट। आपको इसका दोपहर का व्यू याद है, और अब का व्यू देखो बिल्कुल ही अलग है। चश्मे बेच रहे हैं कुत्ते बिल्लियों के लिए, और ये उन्होंने जूते भी रख रखे हैं कुत्ते बिल्लियों के लिए, क्या बात है भाई साहब, इनके बारे न्यारे हो रखे हैं सिल्वर इंसानों से ज्यादा। चश्मा भी आज ऐसे ही था मेरा, तो क्यों क्या कहना चाहती हो।
शंकर स्ट्रीट छान मारी दाएं से लेकर बाएं तक, मगर वेजिटेरियन के नाम पे सिर्फ या तो मीठा है, केक ले लो, कुकीज ले लो, या फिर ड्रिंक है, और मीठा खाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, ऑयस्टर क्या, फिश क्या, प्रॉन्स क्या, श्रिम्प्स क्या, अंडा, केकड़े, पता नहीं क्या क्या और पता नहीं क्या क्या, तो सब ऑक्टोपस, हाँ सब कुछ मिलेगा आपको। बस वेजिटेरियन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने तो अभी तक कुछ लिया नहीं है क्योंकि हमें मिला भी नहीं है। फ्राइड राइस पूछे तो उन्होंने बोला कि नहीं फ्राइड राइस नहीं, और तो बस नूडल्स भी नहीं है, वेज नहीं है कुछ, तो इसलिए अब हम लोग निकल पड़े हैं आगे की तरफ, मतलब हम वापस जा रहे हैं। लेट्स सी, अगर कुछ मिलता है तो खा लेंगे, नहीं मिलता है तो देखते हैं कुआलालंपुर जाकर फिर क्या होता है। कहाँ है वरी गज्जक गज्जक खानी क्या हमारे नसीब में यही है क्या, बस गज्जक और मूंगफली मुरमुरे हमारे नसीब में है, बताओ। कुछ और तो नहीं समझ में आ रहा है तो भाई अब यही लेना पड़ेगा, मैंगो शेक। कैन आई गेट वन स्मॉल स्मूदी या मैंगो ऑन टॉप? ओनली स्मूदी इफ दैट्स ओके। थैंक यू भाई। तो अभी हमने ऑर्डर करा है मैंगो स्टिकी राइस, और ये सिल्वी के हाथ में मैंगो स्मूदी, मैंगो प्लस आइस, नो वाटर। मैंगो स्टिकी राइस में है मैंगो और कोकोनट और राइस। वन भाई ने पहले हमें टेक अवे की तरह दे दिया था, उसको लगभग हम खा रहे हैं तो भाई प्रॉपर हमें खाने के लिए प्रिपेयर करके दे रहा है। चालू करें। तो ये है कुछ तो नीले रंग के चावल, ओए और ये तो मूंग दाल है भाई। मूंग दाल है? टेस्ट करके देख ली। नहीं मूंग दाल है, मूंग दाल है, मूंग दाल है जो हमने खा ले, वो नमकीन वाली मूंग दाल। मीठे चावल फिर ट्राई कर रहे हैं हम, व्हाइट ब्लू नारियल और मैंगो सब मिला के एक साथ। लग तो बढ़िया रहा यार, लेकिन ये भी मीठा ही निकला। और ये अभी अभी नजर गई है भैया यहाँ पर इडली भी बेच रहे हैं, पहले पता लगता तो इडली खा लेते हैं। सो यू कैन गेट इडली इज हेयर। कारीगरी देख के मन कर गया एक शेक लेने का, तो मैंने ये एक कोकोनट शेक लिया है जो कि 5 रिंगेट का है। तो ये कोकोनट स्मूदी लेकर हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, और अब आपसे मिलेंगे बस स्टैंड पर। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है हमारा बस पकड़ने का, तो फटाफट भागते हुए जाएंगे और बस पकड़ेंगे और आपको बताते हैं आगे की कहानी के बारे में और कल के बारे में। तो अभी हम दोनों रहे हाफ, क्योंकि भागते भागते हमने पकड़ी है बस, लिटरली भागते हुए। मैंने तो वीडियो भी रिकॉर्ड करी तुम्हें मैं गगन को तो पता भी नहीं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मेरे को भागते देखोगे ना बड़ी बुरी लगती हूँ भागते। हुआ क्या कि हम मस्ती मार रहे थे, गगन ने फिर देखा कैब दिखा रही थी 12-13 मिनट की, 12-13 मिनट बाद आएगी, और हमने कैब देखी 7:45 बजे और हमारी 8:30 की बस थी, तो 15 मिनट का ही रन था, तो हमें था कि 7:45 बजे बुक करेंगे, 7:50 पे तो 8:05 तक हम पहुँच जाएंगे, 20-25 मिनट का बफर है हमारे पास। तो जैसे ही मैंने 7:40 के अराउंड कैब देखी, 11 मिनट का उसने दिखाया वेटिंग टाइम, 11 से भी ज्यादा ही था, पहले 12-13 था फिर 11, तो हमें लगा समझ में नहीं आया। हाँ। मैं भाग गई, मेरे को भागता थे कारण नहीं भाग, मैं भाग लू, मैंने भी नहीं पूछा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कि बुक तो करके देख लेते हैं या पता जल्दी आ जाए। तो इतना फनी मोमेंट था ना, मैं भाग गई और अरुण वाज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, मैं कहा मैं जा रही हूं और मैं भाग गई बस में ही भाग आया। तो हम भागते भागते पहुंच गए बस में, पूरे गीले हो गए पसीने में, पर इट वॉज फन। मलाका बहुत अच्छी जगह, अगर आपको आना आप जरूर आओ, आई एम श्योर आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आएगा।
अगर मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। और आपको थोड़ा सा बता देते हैं, कल और इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। हाँ। क्योंकि कल के व्लॉग में हम एक चीज कवर करेंगे जो कि हमें यहाँ थोड़ी कम मिली, विच वॉज वेजिटेरियन फूड। तो एक बहुत जुगाड़ू सी जगह ढूंढी मैंने, जो मैं पिछले व्लॉग में भी बोल रही थी कि जाने जाने जाने, पर हम लेट हो गए थे। नहीं नहीं, सैटरडे को बंद होता है ये नहीं हमें पता। अच्छा हाँ, ब्रेकफास्ट वाला पॉइंट। तो अब हम कल वो कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा खाना होता है, ऑब्वियसली मलेशियन फूड होता है, चाइनीज या इंडियन फूड नहीं होता है, पर वेजिटेरियन मिलता है, प्योर वेजिटेरियन मिलता है, नॉन वेज नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। दैट इज प्योर वेजिटेरियन, उसकी छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको कल पहले भी यही बोला था। तो उम्मीद करते हैं कल हम पहुंचेंगे तो स्टोरी मैं भी सुनूंगा, मुझे भी नहीं पता है। तो आपसे मिलते हैं कल। और उसके अलावा हम लिटिल इंडिया भी जाएंगे, चाइना में इंडिया, मलेशिया में इंडिया है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको इंडिया भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दिस इज विजय मोंडर, बाय 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 बाय। और मलेशिया में सेफ्टी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रात के 12 बजे के बाद भी ये दीदी गाड़ी चलाकर हमें लेकर जा रही हैं हमारे डेस्टिनेशन तक। गुड नाइट।